अजंतिक युद्ध होने वाला है उसमें जो है मान लीजिए कि बहन को भेजा जिसे सुपर्णखा को रावण भेजा था तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो भाई बहन मिल करके लड़ेंगे तो भाई बहन क्या लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है मेरे भाइयों, तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। इसलिए संदेह की बात मत समझिए, मोदी जी फिर जो है 2019 के हमारे सितारे हिंद हैं और जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उसमें संदेह की बात नहीं, औपचारिकता है। वो चाहे भाई बहन, भाई गजब तमाशा है देश का, मानिए प्रजातंत्र है, कौन या तो भाई महासचिव कौन बने, बहन बनेगी। अब इसका और भी कोई नाती पोता हो, रावण बहनोई को बना लीजिए, अब एक को क्यों कमजोर करेंगे। तो अब बहन आ गई, उसके बाद बहनोई को उतारेंगे, रावण से बाडरा गांधी, एक गांधी का टाइटल ऐसे टोपी मिल गया है कि सब लोग लगा लेंगे तो गांधी जी हो गए। अरे बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, होटल और बोतल में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय संस्कारों की रक्षा तो मोदी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, योगी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, और जो हो रहा है दुनिया में देखेगी दुनिया।